सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सीएम योगी हिमाचल के कुल्लू की बंजार, बलहा मंडी, ऊना के गंगरेट में रैलियां करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई जनसभा करेंगे। बता दें कि हिमाचल में 12 नवम्बर को मतदान होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश सबसे जुड़ेंगे। रितेश, हिमाचल में आज प्रचार का आखिरी दिन है जिसमें सीएम योगी कई रैलियां करेंगे, किन किन कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जीतेंगे और पार्टी को नेतृत्व करते नजर आते हैं। ऐसे में जब वो कहीं चुनाव होता है, जैसे अभी आपके हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो लगातार 5वीं बार वो इस चुनाव का दौरा कर रहे हैं और भ्रमण करेंगे और चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। जो कि आज यह चुनाव का अंतिम दिन है हिमाचल प्रदेश का, जितने भी बीजेपी के दिग्गज नेता है आज पूरी ताकत से झोंक देंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव को जीतने के लिए। इस तरह से इनकी जो रैलियां हैं, उस रैली का स्थल मैं आपको बता दूं कि जहां जहां आज ये चुनावी दौरा करेंगे, उसमें से कुल्लू की बंजार और बाला मंडी, ऊना के गगरेट की रैलियां होनी है। कई स्थानों की इस तरह की रैलियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रैली के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने आपको बताया मयूरी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या पंजाब का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब रैलियां करते हैं, जब उनके भाषण होते हैं, तो वोटर अपने आप ही वहाँ इनका उनके रुझान हो जाता है, उनका एक जुटाव हो जाता है। जैसे ही जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। रितेश, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी है, तो हिमाचल में इसका कितना फायदा मिलेगा, हिंदुत्व का कितना दबदबा देखने को मिलेगा हिमाचल में? देखिए, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है। ये हमारा प्रदेश ही नहीं, ये पूरा देश जानता है कि हिंदुत्व का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो इसको देखते हुए हिमाचल की बर्फीलियों में जो वहाँ पे लोग हैं वो भी काफी हिंदुत्व की जैसे जो है इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचारों से सहमत है। इसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में वोट बटोरने में शामिल हो पाएंगे। ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश भी अब की बार बीजेपी किसी तरह में किसी तरीके से जीतने की कोशिश करेगी। जी रितेश, सीएम योगी यूपी मॉडल को कहीं ना कहीं हिमाचल में पेश कर रहे हैं और जिस तरह उन्होंने यूपी में काम किया है, जैसे वो गुंडा राज हो चाहे कानून को लेकर हो, और जिस तरह से उनकी छवि बनी हुई है बुलडोजर बाबा के नाम से, इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनको उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो काम करने की शैली है उसको देख करके उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर है कि हमारे यहाँ भी एक इस तरह का मुखिया होना चाहिए, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ का विकास हो सके, यहाँ के जो बर्फीले और पहाड़ी रास्ते हैं उनका विकास हो सके, आवागमन जो आने जाने के रास्ते हैं वो सुगम बनाए जा सके। तो हो सकता है यूपी की मॉडल को देखते हुए हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी आपकी बार बीजेपी के पाले में आने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है बीजेपी की तरफ। जी रितेश, हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को जो ये चुनाव होने की तैयारियां, वहां पर पूरे बर्फीली रास्तों पे पहले से ही बैलेट पेपर और जो भी चुनावी सामग्री है उनको पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि ऊंची पहाड़ी रास्ते हैं, यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम जो होगा वो चुनाव आयोग पूरी तरीके से सक्रिय है, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। और हिमाचल प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ और पुष्कर धामी भी वहाँ पर आज दौरे पर रहेंगे, आज चुनाव का आखिरी दिन है, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इस पूरे हिमाचल प्रदेश को अपने कब्जे में बीजेपी के पाले में लाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बैठक के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन ने पूरे लखनऊ में विशेष अभियान शुरू किया है। साथ ही शहर के 110 वार्डों में फॉगिंग एवं लार्वा दवा का छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा डेंगू को लेकर कोर्ट ने सुनवाई हुई है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि डेंगू पर नियंत्रण के लिए सरकार नगर निगम को साथ काम करने की जरूरत है और फॉगिंग के काम में तेजी लाने की जरूरत है। राजधानी लखनऊ में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए आपसे विशेष अनुरोध करना चाहता हूं। हालांकि नगर निगम लखनऊ की टीम आवश्यकता अनुसार सभी जगह पर फॉगिंग और एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर रही है, लेकिन लखनऊ में डेंगू के प्रकोप को समाप्त करने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आपके एक्टिव सहयोग की आवश्यकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि सबको इस बारे में जागरूकता हो। आज मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों का सघन निरीक्षण करें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ेंगे। रितेश, डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और हाई कोर्ट एक्शन मोड में नजर आ रहा है, सख्त निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं डेंगू को लेकर? मयूरी, डेंगू के बढ़ते पेशेंट को लेकर के हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और नगर निगम के क्रियाकलापों की भी नाराजगी जताई है कि किस तरीके से आखिर फॉगिंग हो रही है, उनके छिड़काव किस तरह से एंटी लार्वा का किया जा रहा है। पूरी तरीके से जब ये केस करते हैं हाई कोर्ट में, तो उसके बाद से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने जो है पूरी तरीके से बैठक की है। बैठक के बाद लखनऊ के पूरे 110 वार्ड में डेंगू के छिड़काव के लिए कई सारी मोटरसाइकिलें निकाली गई हैं, साइकिलें निकाली गई हैं, जिसपे नगर निगम के जो कर्मी होंगे वो जगह जगह एक एक गली एक एक मोहल्ले में जा करके एंटी लार्वा का छिड़काव करेंगे और फॉगिंग करेंगे। इस तरीके से पूरी जानकारी जो हमें मिल रही है आज सुबह 10:90 चौराहे से उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने वहां से साइकिल पर और मोटरसाइकिलों पर एंटी लार्वा किट भेजा है। रितेश, नगर निगम को सख्त निर्देश दिया गया है कि फॉगिंग में तेजी लाए, तमाम कामों में तेजी लाए, तो कितनी तेजी से काम किया जा रहा है नगर निगम द्वारा? देखिए, नगर निगम द्वारा आप तेजी देखने को मिल रही है। आज से जो ये कुछ बांटे गए हैं, ये लखनऊ के 110 वार्डों में हर जगह जा जा करके वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाएगा। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने ये पूरी निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से मीडिया जो नगर निगम है वहां के लोग सतर्क हो चुके हैं, उन्हें पूरी तरीके से क्षेत्र में छोड़ा गया है और पूरी तरीके से प्रभावी कार्य करने की आज संभावना है, आज से शुरुआत हो जाएगी। जी रितेश, कहा जाता है कि डेंगू सबसे ज्यादा गंदगी से फैलता है और लखनऊ में कई जगह ऐसे हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, गंदगी के अंबार तो सब जगह लगे हुए हैं। नगर आयुक्त इंद्रजीत जो है इंद्रजीत सिंह, वो भी लगातार लगे हुए हैं साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के। लेकिन अभी तक लखनऊ में जैसे देखा जाता है स्मार्ट सिटी को लेकर के जो कवायद चीज की गई थी, उस हिसाब से लखनऊ में बहुत जगह कूड़े का अंबार है। लेकिन फिर भी अच्छी बार जब नगर हाईकोर्ट की फटकार लगी, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के निर्देशानुसार पूरी तरीके से क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है। रितेश, जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है? देखिए, अस्पतालों की व्यवस्था की अगर करें तो अभी फिलहाल अगर पिछले सप्ताह का देखा जाए तो पिछले सप्ताह में किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं हो रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, बेड खाली नहीं हो रहे थे। अब लग रहा है कि अस्पतालों में व्यवस्था करने की पूरी तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये डरावनी बातें हैं कि अस्पतालों में इतने बेड नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में बेड फुल हो जाते थे और कैसे बुखार के पेशेंट, जुकाम के पेशेंट आते थे, जगह नहीं मिलती थी, वही स्थिति इस समय बनी हुई है। लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, लगातार ये सरकार भी कह रही है, स्वास्थ्य विभाग के लोग भी कह रहे हैं, पैनिक ना हो, इसका इलाज घर पर भी संभव है। बहुत ज्यादा हेल्थ केस होने पर भी आप अस्पताल में पहुंचे और सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए।
उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक बात की जाती है, लेकिन एक बार प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर हो रहे दावों की पोल खुली है। आज के परिवेश में भी लड़कियां अकेले चलने से सुरक्षित नहीं है, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दरअसल कल कानपुर से लखनऊ आ रही दो लड़कियां बीच रास्ते में ही लापता हो गईं, जिनकी जानकारी सूचना अभी तक नहीं मिली है। खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। लापता हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं कानपुर से लखनऊ आ रही दो लड़कियां रास्ते में लापता हो जाती हैं। देखिए मयूरी, कुल मिला के अगर बात बताऊं तो आपको, ये जो दो लड़कियां हैं ये पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और कृष्णा नगर में रहती हैं। और ये तकरीबन आपको बता दूँ, कानपुर गई थी गुरु नानक के पाठ के लिए गई थी। उसके बाद से ये इन्होंने जो है अपनी फैमिली को जो है बस के अंदर का वीडियो भी बना के भेजा था और कंडक्टर का वीडियो भी बना के भेजा था। तमाम जो सबूत हैं या फिर कहिए कि एक खासा तौर पर उन्होंने वीडियो बना के भेजा था। उसके बाद से जो है ये आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक जगह आती है, वहाँ पर उतरी थी। उसके बाद से ये लड़कियाँ दोनों गायब हो गई हैं और पुलिस हर एंगल में जांच करने में जुटी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, गायब अगर हुई हैं तो क्यों गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं, तो कुल मिला के अपहरण का मामला भी सामने आता है। और तमाम जो है पुलिस हर एंगल में जुटी हुई है कि किस वजह से गायब हुई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मामला माना जाता है, क्योंकि दोनों बहनें थी, ये कानपुर गई हुई थी गुरु नानक के पाठ के लिए, और जब उतरी हैं तो उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, और कानपुर से लेकर उन्नाव से लेकर लखनऊ तक सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इन लड़कियों का पता किया जा रहा है कि लड़कियां आखिर गई तो गई, कहां गई और किस वजह से गई, और अगर कोई ले गया है इन्हें तो कैसे ले गया। जी सागर, ये बहुत बड़ा मामला है। गाँव की दुबार छोड़ी दे, मेन एरिया में ऐसी वारदात हो जाना काफ़ी चिंता का विषय है। जी मयूरी, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ है, ये सूबे का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, क्योंकि देखिए हर मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम जो बड़े आला अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर यहीं से कमान संभालते हैं, चाहे लखनऊ के तमाम जगह हो, चाहे मंडल की बात हो, चाहे ज़िले की बात हो, चाहे हर जगह की बात हो, यहीं से ही हर राजनीति का हर एक दौर तय होता है, हर एक समीकरण बनता है, कानून व्यवस्था यहाँ से लागू की जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये चुनौती वाली बात ये है कि अगर दो लड़कियाँ गायब हुई हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि किस वजह से ये गायब हुई हैं। और पुलिस लगातार, पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। अभी मेरी हाल ही में कृष्णा नगर SHO से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। वहीं दूसरी बात ये कि DCP मध्य में ये पूरा इलाका आता है, अपर नाराज कोशिश करी, आज हम बात करेंगे, पूछेंगे कि मैडम अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है और पुलिस आपकी क्या कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं लखनऊ की, लखनऊ में इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और तमाम ऐसी बड़ी घटना हो चुकी है कि जिससे पुलिस के हाथ पाँव भी फूल गए थे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं जो है चुनौती तय की और चुनौती के कारण तय करने के बाद जो है पुलिस ने उस घटना का खुलासा बहुत जल्द किया था। और देखने वाली बात यह कि ये जो दो लड़कियां गायब हुई हैं, अब इसमें क्या पुलिस कुछ करती है और क्या फिर आगे की रणनीति बनाकर इस मामले का खुलासा करते हैं। जी सागर, परिजनों की तरफ से कहा गया है, कहीं बात सामने आई है कि उन्होंने अपहरण की बात कही है इस पूरे मामले में।
जी अभी मयूरी आपको बात बता दूं कि देखिए परिजन जो हैं, परिजनों का साफ साफ आशंका ये है कि उन्होंने अपहरण की बात बताई है सामने। अभी हम हाल ही में परिजनों से भी बात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनका भी हालचाल जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि किस तरह से उन्हें शुरुआती दौर में लग रहा है। और क्योंकि परिजनों ने कल ही तहरीर दे दी थी और किशननगर थाने को भी सूचित किया था कि ये जो दो लड़कियाँ गायब हुई हैं कहाँ पर हैं इनका पता लगाया जाए। और ये बात फिलहाल अभी लखनऊ की सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि बात DCP से लेकर ACP से लेकर हर एक उच्च अधिकारी तक पहुंच गई है और हर अधिकारी जो है कर्मचारी है पुलिस का जो SHO से लेकर जो DCP है इस पूरी कड़ी में जांच करने में जुटे हुए हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जो दो बहनें गायब हुई हैं वो कैसे गायब हो गई, क्योंकि वो उन्नाव से आई थी, उन्नाव के अजगैन एक थाना क्षेत्र पड़ता वहाँ गई थी, उसके बाद से इनका कुछ अता पता नहीं चल पाया है और ये गई तो हैं फिलहाल कहाँ गई हैं। तो पुलिस हर कड़ी में जाँच कर रही है, हर इस उस एंगल को जांच लेकर बैठी है पुलिस की किस वजह से गायब हुई, क्योंकि पुलिस CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाल रही है और तमाम चीज़ें वो निकाल रही है कि जिस वजह से जो है इस मामले का जल्द खुलासा किया जाए। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं।